नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बात आज होगी लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या जिस तरीके से चिराग पासवान की जो दूरियां हैं वो जेडीयू से बढ़ते जा रही हैं, अब बचा क्या है इतनी सारी बयानबाजियों के दौर के बाद, क्या लगता है चिराग पासवान जेडीयू के साथ लंबे समय तक अब नहीं चल पाएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जरा सुनिए। लोग जो है विधायक की दर से कुछ लोग जो गए हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो लोग जो है पहले से ही बोलते रहे हैं। और पार्टी नेतृत्व ने सारे बिंदुओं को देखते हुए जो है वो कार्रवाई की, उनको तो कल ही जो है निष्कासित कर दिया गया 6 सालों के लिए। इसमें जो है देखिए, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, इस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं। आज अहम बात है, देखिए अभी हमारी कोई जो है इस प्रकरण को लेकर के हमारी चिराग जी से बात नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, तो स्वागत होगा उनके खुद के मंत्री मुख्यमंत्री से विश्वास टूट गया, उम्मीद खो बैठे, और उनके नीतीश कुमार जी के मंत्री जो है पार्टी जो है, अगर हमारा याददाश्त हो तो 15 साल में पहली बार कोई नीतीश जी का मंत्री जो है विपक्ष दल जो है ज्वाइन करने का काम कर, तो आखिर ऐसी क्या बात आ गई। और दूसरी बात कि उनके जो सहयोगी दल है चिराग पासवान जी लोजपा, वो तो साफ तौर पर बोलते रहे कि नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं, तो खुद के विधायक खुद के मंत्री से वो बात नहीं करते। चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सहयोगी दल के, वो कहते हैं कि भाई उनको फोन करते रहते हैं, मिलने का ना समय देते हैं ना बात करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान के मुद्दे पर साफ साफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोजपा वो तो शुरू से ही कहते आई है, चिराग पासवान भी शुरू से ही कहते आए हैं कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग चिराग पासवान ने कब किया है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि जेडीयू के जितने नेता हैं वो सभी अभिभावक के समान हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की अगर हम बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आवाज़ें निकल के आई हैं कई बार कि गलतफहमी में ना रहे जेडीयू, जेडीयू को लेकर बहुत सारी बयानबाजी निकल के आई हैं, क्योंकि जेडीयू के नेता भी लगातार लोजपा को निशाने पर ले रहे हैं, तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी भी कहाँ किसी को छोड़ने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कहे थे चिराग पासवान को लेकर के आपने सुना है, और वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार अब हो रहा है कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो खुश नहीं हैं, हम पहले से कहते थे, और अब तो उनके मंत्री भी दल बदल रहे हैं, आगे और जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी, यानी कि आगे और लोग टूट करके विपक्ष में शामिल होंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में जो तस्वीरें निकल के आएंगी चुनाव से पहले, क्या वह सत्ता पक्ष को चौंका देंगी, सत्ता पक्ष की मुसीबतें बढ़ा देंगी। आप लाइव से सब रहे हैं, और क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव दोनों ही जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, बिहार की बातों को रख रहे हैं जनता के सामने, जितनी बुराइयां हैं वो सभी को रख रहे हैं, तो क्या ऐसे में हालात सत्ता पक्ष के हाथ से बेकाबू हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।